देखो, इंडिया की अपनी रिलेशनशिप्स है विद द अरब कंट्रीज, विद द वेस्ट, विद एनीबॉडी एल्स। इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। हम हर चीज को इंडिया के अंदर उसको मुलव्वज़ करते हैं। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडिया पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए, और बार बार आपका वजीर आजम दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकॉल तोड़ दिया है। और यार, शक्ल तो देखो अपने, उसी पे गधे गधे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। लेकिन हम जो हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, वो बड़ी एक मायोपिक है, इन द सेंस कि वो इंडिया सेंट्रिक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी कीता, हुण तुहानू असी कर रहे हैं रीजन। तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। अब चाइना को जरूरत है भारत की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गलवान में भारत को धोखा देना चीन को भारी पड़ रहा है। भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है, और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद जारी रहेगा, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजे देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर है, इससे चीनी कंपनियों को खासा घाटा हो रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपने रुख को बहुत कड़ा कर दिया है। टिकटॉक समेत भारत ने चीन के दर्जनों ऐप पर बैन लगा दिया था। इस लड़ाई के बाद भारत ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, चीन भारत से मिन्नतें कर रहा है कि वो उड़ाने खोल दे। इस वक्त हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है, कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। सिंस फोर ईयर्स इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही, उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी
आना जाना तो रहता है, और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बननी की, इंडिया ने ट्रेड बननी की चाइना के साथ, इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाक्या हुआ था, और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंड लिया, और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंड के जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंड उनका पाकिस्तान के साथ भी, अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा, आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो उसके बच्चे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुझे तंग होना पड़ता है, जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन भाई, भारत ने स्टैंड लिया है, इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी, और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे, इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया, और चाइना ने मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, तुसी सानू दुखी कीता हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए, और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए, तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है, इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आएं, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको, तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट जाती हैं चाइना में वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए।